लालू यादव ने कहा कि सुन, ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, यह 90 के बाद वाला बिहार है। छाती तोड़ने की बात करते हो, वहीं पर लालू यादव खड़ा है। जब तबला बजेगा धिन धिन, तो एक आदमी पर बैठेगा 30 दिन में, बताना चाहता हूं। आंख दिखाते हो, लड़ाई लालू यादव लटपट लड़ना नहीं चाहता है। कान खोल के सब लोग सुन लेना, भाजपा नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान दंगा कराना, लड़ाई कराना चाहता है। इनके डिजाइन को मैं जानता हूं। लालू यादव ने तय किया हम नाम, तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है इसमें। 90% से दाय बात सुनो भाई, लोग आए हैं चारों तरफ से, लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं कि हमको बोलते हो जंगली हैं, हम लोगों ने दिया गरीबों को आवाज, तब तुम बोलते हो जंगल राज। लड़ाई साफ साफ लड़के तय कर देंगे। नीतीश कुमार को जब समर्थन किया, उसी दिन से एक यहां पटना में बैठता है सुशील मोदी। सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहां इशारा कर रहा है? जदुवंशियों पर इशारा कर रहा है, भैंस चराने वाला पर संदेह कर रहा है। इसलिए फैसला ले लो, गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेवसी है। आपने बिहार बंद किया, बताओ नरेंद्र मोदी बोलते हो कि विकास की गंगा बह रही है, नीतीश कुमार खाली लोटा लेके आते हैं। मैडम का राज था, माननीय मनमोहन सिंह जी थे, शरद यादव जी, हम लोग मुलायम सिंह यादव, हम लोगों ने कहा जातीय जनगणना कराइए। आंख बंद करके देश का बजट बन रहा। 31वें जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तीनों एक थे। 61 में जनगणना हुआ था, 31 के बाद 84 साल के बाद जातीय जनगणना कराया। धन्यवाद देते हैं सोनिया जी को। आर्थिक, सामाजिक और जातीय जनगणना हुआ। 4 जुलाई का ये अखबार है, बिहार बंद आपने किया था, जाति छिपा लिया, क्या दिखा? जेठली जी का फोटो है, लालू का नहीं। इसमें लिखा है गांव में, भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। लालू पूछ रहा है कि ये जो भूमिहीन है हर तीसरा परिवार, ये कौन जात है, क्यों दबा लिए हो जात? मोदी जी बता दो,
राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, कौन जात है, जादव है या बैकवर्ड है, बताओ। हर गांव में तीसरा परिवार भूमिहीन, जिनके आप और हम बेटे हैं, वही नहीं, गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन, ये उनका रिपोर्ट है, ये दैनिक जागरण बोले ना, हाँ ये दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण में लिखा 4 जुलाई में, बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर, बदहाल गांवों की बदरंग तस्वीर, सारी बात इसमें लिखा हुआ, सब पॉइंट निकाल के इसमें हम रखा। और बीच में चुनाव आ गया, क्या हालत है आपका हमारा, बोलता है विकास की गंगा भर है, यहां देखिए हर तीसरा परिवार, हर तीसरा परिवार भूमिहीन, 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार भीख मांग के 6 लाख परिवार भीख मांग के जीवन बिता रहा है। यहां से जाके चले जाइए महावीर स्थान, यहां बगल में भी, ये कौन है भीख मांगने वाला, कौन बिरादर है, कौन जात है, ये दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, बताओ, ये देश का नागरिक है, मोदी जी बताओ, 51% परिवार भारत में दहाड़ी मजदूर है, दहाड़ी मजदूर जिसका हिस्सा मनरेगा, भारत निर्माण, यूपीए गवर्नमेंट, 100 दिन का काम मोदी जी ने छीन लिया, 51% दिहाड़ी मजदूर है, ये कौन जात है, यही लालू पूछ रहा है, यही आपको पूछना है। 75 परिवार के पास महीनवारी 5,000 का भी आमदनी नहीं है, महंगाई के जमाना में, सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में तब प्याज के दाम बढ़ गया था, प्याज के, तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था, अब क्या हाल हो गया, मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया, 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों 80 रुपया कर दिया, कहा था गरीब अमीर के बात नहीं, ये रामदेव अन्ना हजारे और उनके पार्टी के लोग, बोला था काला धन ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का, रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया, ये लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर दिया, मैडम को मालूम ये सब बोला काला धन, और सब कांग्रेस के नेता का नाम लिख के बोला कि 6 हमारा मेरा भी नाम लिखा कि 26 लाख करोड़ विदेश के खाता में जमा है, आप अपना रिकॉर्ड में देखो, मोबाइल में देखो, भाई बैठा मोदी जी बताओ, हमको बैठा दो, 1 महीना में हम
ला के काला धन, गरीब अमीर नहीं, जज साहब को भी, वकीलों साहब को, वरिष्ठों साहब को, नेता लोग को भी, 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर देंगे। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया लियाओ, किसान वाला जो बात जो लड़ाई हुई रुपया लाओ जमा करो, इतना बहुमत हो गया तो इनके हमको भी फायदा होता। हमारा, हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ 1 लाख हो जाता, बैठ के चाहते रहते हम लोग मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। अरे भाई यह शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंगुली से बता रहे हैं, सब हम लोग पूछ रहे हैं, कहा जुमला था, झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया तो लोग बोला कि महंगा हो गया, तो अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट चर्बिया हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन, महंगाई रोकेंगे। चांदी हो गया सस्ता, सोना सस्ता, और दाल और प्याज हो गया महंगा। क्या बोलते हो मोदी जी, आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो बोलते हो कि जंगल राज जात पात क्यों, आज जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोले दिल्ली में, हम आरएसएस का दरी बिछाते थे, हम कुर्सी लगाते थे। अरे तो लालू का मूवमेंट का असर है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों के जो लोग हो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पूछ होने लगी, और जब हम लोग पिछड़े दलितों को इसलिए कान खोल कर सो भाई सब जितना पिछड़ा वर्ग के लोग हो दबे कुचले लो, ये बोलता है कि जदुवंश, ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है, अगर छोड़ना है तो बोल दो, तब नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ, क्यों हाथ उठा क्या करता है, माने जादवे के बेवकूफ समझता है। यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा, जगो इंच इंच लड़ाई, कोई मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, खाली पैर वापस कराना है। यदि भी सेकुलर पार्टियां हम लोग बोल रहे हैं कि इकट्ठा होइए भाई, तमाशा कर रहे हैं, बोलता हमारा लड़ाई साफ साफ दबे कुचले पिछले लोगों, सारा गुलबंद हो जाओ, ऊंची जाति के जो गरीब हो रहो हम लोग के साथ,
भाजपा ठीक कहा नीतीश कुमार ने, त्योहार तक कहीं न कहीं कोई न कोई फसाद कराने के चक्र में है। यहां लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हार चुका है। सुनो, लालू के चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर कहे ने क्या अपील किया? अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लालू यादव एक मुकदमा जीता है, सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि लालू यादव का बेल कैंसिल करा के जेल भेज दिया जाए, यही हार हो गई उसकी। हम भगवान से मनाते हैं कि तुम मेरा बेल कैंसिल करा के हमको जेल भेज दो। यहां का नेता बोला ये दोहरी दोगला चार, जगन्नाथ मिश्रा को, जगन्नाथ मिश्रा का सेम केस अपील में नहीं गया। लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा तो हम मोदी जीत जाएंगे। अरे वो पेनली वाला सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनिया। तंदी तो उसके मार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया। तो हम लोग इकट्ठे हो गए या कोई लड़ाई हो? लड़ाई हार चुका है देश का, सारा देशवासी जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव कर देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। आप पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ, गुंगी साध लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं कह रहे, तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? चारों तरफ बताइए। अच्छा सुनो भाई, ठंडा मौसम हो गया, अब पानी जब तक बोलेंगे होगा ही नहीं, ये आप जानते हैं ना हमको। ठंडा में सुनो, लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं हो। वो एमपी है उनके पार्टी के, पहले के मंत्री हैं, कल दिने में वो बोल दे कि रैली फ्लॉप कर गया। बता गजब मैडम, रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लॉप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है, सब व्याकुल है, सब व्याकुल है। राबड़ी देवी को बोलेगी जब हम जाइए रहे हैं रैली में तो तुम रुको, बोली कि हम मानने वाले हैं, हमारा अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है, और जब हम लोग एक हो रहे हैं, बताओ हमारा पुरखा कृष्ण भगवान। मैडम जी बोला, मोदी बोला कि जो जेल में जाते हैं बुरी बात सीख के आते हैं, तो अमित शाह क्या सीख के आया था? कृष्ण भगवान ने सीख के आया था पीड़ित मानवता का सेवा करना है, राक्षसी सेना का वध करना है। और जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया, कंस के मार के भी ध्वंस किया और गखुला मथुरा राज किया। यह सीखा मेरे पुरखा को धोखा दिया, गंगा मां को धोखा, बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाइटा की क्या हा?
हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा, स्मार्ट सिटी। लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला हम लोग कर कुछ आई चल बा शहर के तरफ। मोदी जी आप बिहार है बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ में सब जो बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया के हल्दी लगावेला बिहार। इसे जगो नौजवान, तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने, और जिस आदमी को भले हमारा सोनिया जी का झगड़ा रहता है लेकिन परिवार से फैमिली से नहीं मैं खड़ा रहता हूं। और मैडम को हमने हाथ जोड़ के कहा था कि रामविलास पासवान को हम भेज रहे हैं, मैडम इनका क्वार्टर मत खाली करवाइए। बोली मैडम कि ठीक है ठीक है, कह के रुकवाई। कमाल के लोग हैं भाई, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हमसे आगे रहते थे रामविलास जी सोनिया जी के यहां, हम मुसरत साहब से गए थे हम लोग मिलने, आप लोग नहीं जानते हो। बोले मुसरत साहब के सामने रामविलास भाई कि हम वही रामविलास हैं कि गोधरा के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दिया, हम वही रामविलास हैं। सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। अभी कहां गए रामविलास भाई? अभी एक आदमी पीछे हमको बोला कि रामविलास जी ट्यूट किए हैं, ट्यूट होता है कि ट्यूट, कि स्वाभिमान रैली नहीं है अपमान रैली है। सबसे बड़ा ठेकेदार रामविलास जी। और इसलिए देखो भाई, हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुक भी नहीं रहना चाहिए। सब सब जो फैसला है फैसला है, हम सब मिलकर भाजपा को भेजेंगे आरएसएस को वहीं नागपुर में। अतः नीतीश कुमार लालू इकट्ठा हो गए तो कानून व्यवस्था खराब है। अभी क्या हालत है गुजरात का? अरे बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, सूट एंड साइट है। कौन पटेल लड़का है, वह आंदोलन पूरा आंदोलन सारा वहां कोई काम नहीं, सब ये भागे चल रहे हैं खरहा के तरह इधर से उधर। हम लोग रैली का आज रखे थे, हिम्मत होती तो आज भागलपुर में रखते, देखा कि हम लोग का रैली है तब भागा, डेट बदल दिया। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के लोगों के अंदर लज्जा हो तो हम नहीं समझते कि अब रैली वैली करेगा। हम नहीं कर रहे हैं। और साथी लोग देखो भाई, किसको टिकट मिला नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला, इस ज्यादा मलाल में नहीं रहना। 243 सौ अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं, सीटों की संख्या हर दल की घटी है, तो जो भी सीट मिलेगा उस मोर्चा पर लोगों को खड़ा कराया जाएगा। आप लोग घर चल जाना, यहां भीड़ नहीं लगाना, सब लोग जुट करके आए हो, और जितना गांधी मैदान है उसे चौगुना आदमी अभी जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, चारों तरफ एकदम। हम पूछा क्या है भाई, रैली में आप बुलाए थे तो हमको रैलिंग करने दीजिए पूरा पटना में। कह रहा कि हम खोज रहे हैं कि कहने कहने बीजेपी है कहां से। हम कह रहे भाई मारा मारी नहीं ना है, सीना तान के घूम रहा है,
बोला भाजपा मुर्दाबाद, भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी भाजपा है। और इसी बीच में अरे जातीय जनगणना में इनका पैर हाथ फूल रहा है, तब ना बजट बनेगा, तब ना आपका चेहरा बदलेगा। 26 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट होता, आप कहां हो इसमें? इसलिए नौजवानों, सारे पिछड़े वर्गों के लोगों, देखो मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, तुम्हारे ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लालू के बाद नीतीश, बताओ आपका हमारा लड़ाई का फल है। इस राज्य में मुसहर के बेटा को भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, बताओ। इसलिए जुटो, इधर उधर कोई बिखरेगा नहीं, देश का साल आसाम मिल करके कई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। गांव गांव में, गांव गांव में एकदम फैल जाओ, कचकट्टा सब फैल जाओ, और इसका मुकाबला हम लोग करेंगे। लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन ढीला नहीं रहना, हम लोग को भी चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। आज चुनाव के बाद ये जातीय जनगणना में जो भूमिहीन है, एक कमरा में रहता 51% दिहाड़ी मजदूर है, दशा दिशा ठीक नहीं, दलितों का रिजर्वेशन तुरंत चौगुना बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ी है। इस लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और आप लोगों को धन्यवाद, आज सब नेता लोग आए, पहले प्रचार सब कर रहा था, मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं, सपा नहीं आ रहा है, कभी बोलता था सोनिया जी नहीं आ रही हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ, क्या क्या बोलते रहता है भाई। ये सब बात से कोई चिंता नहीं करने की बात है, और हम लोग एक होकर के सबका मुकाबला करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अब अपने अपने इलाका में चल जाना। और हमको लास्ट में इसीलिए बुलाया गया है कि लास्ट में वही बोलते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, है ना शरद भाई, लेकिन वो काम करेंगे वशिष्ठ भाई, हम अपनी बात को ही समाप्त हैं। हाँ, सब दलित भाई, देखो भाजपा पिछड़ों की दलितों की पार्टी नहीं है, यही भाजपा है कि बोलता था कान में शीशा डालो, यही कहता था भाजपा। पूरी का शंकराचार्य रांची में आया, बोला कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मत करने दो, यह दलितों को लांछित प्रताड़ित करने वाला यह है आरएसएस, ऐसे दूर रहना है दलित भाइयों। हम सब लोग मिलके इनको दरकिनारा और करेंगे, और सबको इंसाफ, सबको न्याय मिलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद, इधर मंत्री जी लोग हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद, धैर्य के लिए डिसिप्लिन में आप लोग बैठे रहे, आप लोगों को धन्यवाद, जिंदाबाद।